हेलो, वेलकम टू फ्लावर डे। ये देखिए, आज मैं आपको मेरे गार्डन में जितने भी गुलाब के पौधे लग रहे हैं, फूल लग रहे हैं, कलर्स लग रहे हैं, वो सब आपको बताऊंगी। तो ये देखिए, येलो कलर के फ्लावर से गुलाब के कितने प्यारे बंच में खिले हुए हैं। बहुत ही खूबसूरत फूल है ये, और मेरे गार्डन के अंदर चार चांद लगा रहे हैं। और ये रेड रोज़ है। तो इसी तरह गार्डन के ये गुलाब के फूल हैं, इसके अंदर हम लोग सिर्फ गोबर की खाद डालते हैं और अभी तक मैंने कुछ भी नहीं डाला है। और ये सब इतने भर भर के फूल दे रहे हैं इस टाइम पे। गार्डन में नई कलियां भी आ रही है, नया स्प्राउट्स भी हो रहे हैं उसके अंदर, और फूल भी अच्छा दे रहा है। तो ये है रेड रोज़, अब ये है येल्लो रोज़। तो इस तरह से कलर अलग अलग है। 10 तरह के गुलाब हैं मेरे यहाँ पर, उसमें से एक दो में फूल नहीं आ रहे हैं, बाकी सब में भर भर के फूल आ रहे हैं। ये है देसी गुलाब, जो कि गंगानगरी गुलाब कहलाता है या कश्मीरी रोज़ कहलाता है। तो ये भी बहुत अच्छे से फूल देता है और बहुत ज़्यादा तादाद में फूल देता है। तो ये इजी टू ग्रो प्लांट है, इसका लो मेंटेनेंस प्लांट है। इसको आप अपने गार्डन में जगह दे सकते हैं, सिर्फ गोबर की खाद डालें और ज़्यादा कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है। ये वाइट गुलाब, तो ये भी देखो कितनी सारी कलियाँ भी आ रखी है और फूल भी आ रहा है। तो ये भी कितना खूबसूरत फूल है, खूब बड़ा साइज़ होता है इस फूल का। अभी तो खिला नहीं है पूरा, खिलेगा तो बहुत बड़ा साइज़ होता है इसका। तो ये भी बहुत ही खूबसूरत लगता है, देखो कितनी सारी कलियाँ आ रही, 4-5 कली इसमें आ रही। ये है ऑरेंज गुलाब, ये मेरा फेवरेट गुलाब है, ये मुझे बहुत पसंद है। ये भी देखो कितने सारे फूल दे रखे हैं, इसने स्पेंड भी हो गए इसके फ्लावर्स, तो मुझे इसकी कटिंग भी करनी है। तो नए स्प्राउट्स भी आ रहे हैं। तो ये है मेरे गुलाब का गार्डन। आप लोगों को कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, और मुझे हमेशा आगे बढ़ाते रहना।